और आपको बता दें, परसवाड़ा में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने सरकार के प्रति जन आक्रोश रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद चावले ने बताया कि वर्तमान सरकार ने चुनावी वादों में धान का मूल्य 3100 और गेहूं का 2700 रुपए बोनस सहित देने का वादा किया था। वहीं धान खरीदी के बाद 1917 रुपए बोनस की राशि किसानों के खातों में जमा नहीं की गई, जिससे किसान नाराज हैं। साथ ही किसानों ने 24 घंटे बिजली और बांध बनाने सहित अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग हमारा 107 है, जो ज्ञापन पत्र में संलग्न है, जिसमें मुख्य जो मांग है वो है धान। सरकार ने जो घोषणा करी थी चुनाव के पूर्व कि हम 3100 रुपये दे रहे हैं और 2700 गेहूँ, जो अभी तक अपर्याप्त है, जो किसान इससे रुष्ट देखने को मिल रहा है। हमारी मांगे किसानों के जो झूठे वादे हैं उनको पूरा कराने के लिए आज हमने माननीय अनुविभागी महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है। और यह मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, जो आज उनके द्वारा यह वादा किया गया था किसानों को झूठा, उन्होंने 3100 रुपये धान का मूल्य और 2700 रुपये गेहूँ का जो मूल्य अपने गारंटी पत्र पर दिया था वह पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक के कि किसानों को, कई लोग जो ऐसे किसान हैं जिनका ऑफलाइन हो चुका है, जिनके खाते पर आज भी राशि नहीं आई है। मांग हमारा 107 है, जो ज्ञापन पत्र में संलग्न है, जिसमें मुख्य जो मांग है वो है। और वहीं खबर रायपुर से, जहां शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार देने के वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी तारतम्य में उन्होंने व्याख्याता परीक्षा में सफल अनेक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। और बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत विख्याता पद के लिए विज्ञापन जारी किए थे, जिसके तहत मंत्री अग्रवाल ने 47 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।